अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है वीवर। मेरा नाम है शाहिद महमूद, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लोकल ब्लॉग। क्या हाल है, ठीक हो? तबीयत ठीक है, फिट फाट? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना प्लीज़। तो आज का करते हैं ब्लॉग शुरू। वीवर आज जो है ना, एक मैंने बात डिस्कस करनी है, आज से 10 साल पुरानी जो हमारे साथ हुआ। हमारे साथ ये हुआ था, हमारे घर से जो है ना एक गाय हमारी चोरी हो गई थी। 10 साल पुरानी बात है ये। तो गाय चोरी हुई तो उसका जो है ना मसला ये हुआ, तो हम ढूंढते रहे, नहीं मिली। अच्छा, जो चोरी करके गए थे या जिन्होंने करवाई थी वही हमारे साथ थे ढूंढने में। क्या बात है, बहरहाल ढूंढते रहे नहीं मिली। तकरीबन 2 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, 6 महीने गुजर गए, साल गुजर गया, फिर हमने पीछा छोड़ दिया उसका। जो गई वो गई चीज़। उसके बाद जो है ना, आज नहीं तकरीबन कोई 1 हफ्ता पहले जो है ना, हमें थोड़ा पता चला कि भी किस बंदे ने चोरी की थी और क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो जिस बंदे का बोला गया या जिस बंदे का पता चला ना, वो बंदा उसका इंतकाल हो गया। ठीक है, अल्लाह पाक उसको जन्नत नसीब करे। बेचारा पता नहीं किस मजबूरी से वो करता रहा काम, या किया या नहीं किया उसने, लेकिन हमें पता चला। ठीक है, फिर हमने उसको तो माफ़ कर दिया, लेकिन जो जिसके रेफरेंस से वो करता रहा, तो हम उसके पास गए, यहाँ भी ऐसी ऐसी बात है तो आपको पता चला है। उसने कहा यार ये गलती हमसे हुई थी। अभी आप अगर कहते हो तो हम उसका अजाला कर देते हैं, नहीं तो आप हमें भी माफ़ कर दो, क्योंकि अभी हमारी भी हिम्मत नहीं है वो मतलब अदा करने की वो चीज़। ठीक है, तो फिर हमने उनको भी माफ़ कर दिया। तो कहने का मतलब ये है, ये वीडियो बनाने का या ये बात शेयर करने का मतलब ये है कि भी हमने ये सोचा कि भी जो चीज़ गई है उस टाइम तो हमें बहुत दुख हुआ था और मन लगा ये वो, मतलब ये सब कुछ हुआ। तो लेकिन अब जो है ना वो गुज़र गया, वो 10 साल पुरानी बात है, 8 साल 10 साल पुरानी बात है, वो गुज़र गया, वो हमने बर्दाश्त भी कर लिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद हमने कोई जानवर नहीं रखा घर पे, 1-2 बकरियां थी वो भी बेच दी थी, सब कुछ ख़त्म कर दिया था। ना चीज़ होगी, ना कोई आएगा, ना कोई ऐसी कोई कहानी होगी, क्योंकि जिस चीज़ का हम वो कर नहीं सकते ना हिफाजत, या कोई मतलब उसकी खुराक के लिए या कुछ भी ऐसा वैसा, बहुत मेहनत होती है यार जानवर पालने में, बहुत मेहनत होती है। तो वो हम जो है ना फिर हमने ख़त्म कर दिया, अल्लाह पाक का करम है। फिर हम 3 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काम कर रहे हैं। हमारा वाले साहब भी था तो वो भी मतलब थोड़ा बहुत करके काम करता था, तो गुजारा माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा जिसे कहते हैं। तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है गुज़ारा। तो अभी बार आज का ये टॉपिक था तो मैंने कहा शेयर कर दूँ। तो अभी देखो आज का मौसम देखो, बड़ा प्यारा बना हुआ है कसम से, देखो कैसा प्यारा मौसम बना हुआ है, बड़ा बेहतरीन मौसम बना हुआ है कसम से। आज सुबह सुबह ये तकरीबन 9:30 का टाइम है, बड़ा बेहतरीन मौसम बना हुआ है, मौसम सुहाना है बिल्कुल, VIP है मौसम। मैंने कहा मौसम दिखा दें, ये देख रहे हो, ये इसके ऊपर पानी पड़ा हुआ है, ये दरख्तों के ऊपर, ये देखो ये हल्का सा, ये जो है ना ये रात बारिश हुई है हल्की हल्की सी। पानी नज़र आया अभी पर, ये देखो ये ऊपर पानी रखा हुआ है, ये शबनम नहीं है, ये रात बारिश हुई थी। पूरे दरख्त गीले गीले हुए पड़े हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं कसम से, बड़ा बेहतरीन माहौल है।
मौसम की वजह से थोड़ा सा तबीयत थोड़ी नासाज हो जाती है बंदे की, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, खांसी बुखार ये वो ये सब कुछ। चलो और सुना, ठीक हो, तबीयत कैसी है? यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो प्लीज़, देखी पूरी करो वीडियो, बहुत अच्छा अच्छा माहौल है, बड़ा बेहतरीन माहौल है सुबह ही सुबह। आज अच्छा, कल मैंने वीडियो एक बनाई थी, कल मैं बोल रहा था कि मैंने जाना है कराची, तो रात ऐसा हुआ, रात बारिश आ गई, परसों रात भी बारिश आ गई, तैयारी मेरी रोज़ हो रही है लेकिन जाने के टाइम को बारिश आ जाती है। मैं बड़ा परेशान हुई इससे कि भी सारा दिन सोए रहते हैं या मतलब पड़े रहते हैं घर पे, कोई काम धंधा है नहीं यहाँ पे, वहाँ कराची में अल्हम्दुलिल्लाह दुकान है हेयर ड्रेसर की, सैलून है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, रोज़ी सही है माशाल्लाह। तो अभी जाने का कुछ बन नहीं रहा सिस्टम, जब मतलब तैयारी करते हैं या गाड़ी आने का टाइम होता है, मेरी 3 दिन हो गए टिकट कटी हुई है डेली, मतलब वो जो है ना मैं कैंसिल करवा देता हूँ, तो रात भी कैंसिल करवाई थी मैंने, तो फिर आज का प्रोग्राम बनाया है, देखते हैं अल्लाह पाक का करम क्या होता है शाम को, अल्लाह करेगा मौसम आज ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम बनाते हैं इंशाल्लाह। आज तकरीबन मैं निकल जाऊंगा कराची, क्योंकि कल जो है ना संडे है, फिर तो संडे के दिन माशाल्लाह काम होता है दुकान पे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है तो हर बंदे को होती है छुट्टी, तो काम वाम लोग कराते हैं, कटिंग शेप ये वो मतलब मसाज साथ, तो ये सिस्टम होता है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा हफ्ता काम स्लो होता है, तो इतवार का दिन जो होता है ना ये संडे का, तो ये बड़ा प्यारा होता है हमारे लिए, वैसे भी मतलब आवाम के लिए ठीक होता है क्योंकि छुट्टी का दिन होता है तो एंजॉय करते हैं लोग, घूमते हैं फिरते हैं ये वो, मतलब इधर उधर अपने दोस्तों यारों को मिलते हैं। तो व्यूअर्स ये देखो, ये हमारा ट्यूबवेल है, ये बड़ा बेहतरीन, एक ये है एक और वो खड़ा हुआ है, दो हैं एक ही जगह पे, एक हमारा एक हमारे पड़ोसियों का है, क्योंकि वो एक दफ़ा जो है ना थोड़ा सा झगड़ा हो गया था इस ट्यूबवेल के चक्कर में, पर उन्होंने अपना लगा दिया, हमारा तो लगा हुआ था पुराना, उन्होंने इसलिए लगा दिया था क्योंकि वो जो है ना फिर, हालांकि उनकी ज़मीन भी कम है, ज़मीन तो हमारी भी कम है लेकिन हम जो है ना भाईवाल थोड़ा ज़्यादा हैं आपस में, तकरीबन कोई हम हैं 6-7 बंदे हैं मिलके हमने ये किया था काम, फिर उनको गुस्सा आ गया अचानक, तो उन्होंने अपना लगा लिया, चलो गुस्सा अच्छी बात है आ गया तो चलो चीज़ उनकी अपनी बन गई, अब उनको कोई रोक टोक नहीं होती, जिस टाइम दिल करता है उसी टाइम जो है ना वो फीटर उठा के आ जाते हैं चला लेते हैं अपना, यूँ तो फिर इंतज़ार करनी पड़ती थी पहले जो है ना हम लगाएं फिर बाद में किसी और को, मतलब ऐसे करके रह के 4-5-6 बंदे होते थे, कभी किसका वारा जल्दी आ जाता था कभी किसका, तो ये सिस्टम चल जाता था। चलो और सुनाओ, ठीक हो, तबीयत ठीक है, फिट फाट हो? यार कमेंट्स लिखा करो, कोई अच्छे से कमेंट लिखा करो, वीडियो कैसी लगी ये बताया करो, इससे अच्छी बनाएं ये भी बताया करो, या इससे अच्छी है बुरी है जैसी भी है एक मिसाल है, तो थोड़ा सा हमें जो है ना वो ये तजिया दिया करो अपना कि भी इससे अच्छी बनाओ, ये जैसे भी अच्छी है बुरी है ये बता दिया करो आप हमें। और ठीक हो, ओके, अल्लाह हाफिज़, आज का व्लॉग इतना ही।